आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आंदोलन की जो स्थिति है, अगर हम सामाजिक रूप से देखें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ज़्यादा खास अच्छी स्थिति नहीं है। भारत में भले ही महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन उसकी जो गति होनी चाहिए वो बेहद धीमी है, और उस धीमी गति में कहीं ना कहीं महिला संघर्ष कर रही है उठने का, उभरने का, कुरीतियों से लड़ने का। सामाजिक परिवेश उसको इजाज़त नहीं देता कि वह अपने लिए कुछ करे या अपने नाम के लिए कुछ करे या समाज में सोशल रिफॉर्म के काम पर अपनी कोई भागीदारी निभाए। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो अंबेडकरवाद एक मुहिम बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत आगे गई, पुरुषों ने उसको अग्निपंक्ति में निभाया भी, संघर्ष किया और उस विचारधारा का खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस विचारधारा को यदि देश के समस्त व्यक्ति तक पहुंचाना है, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, या यूँ कहें कि यदि समानता, यानी अंबेडकर विचारधारा का से मीनिंग है समानता, एकता और नारी भेद जो होता है हमारे समाज में, अगर इसका खात्मा करना है तो हम एक समान विचारधारा, जो लिंग भेद पर हमारे देश में जिस समय समय पर बहुत अच्छे राइटरों ने लिखा भी है, कविताएं लिखी गई हैं और परिवर्तन के लिए काम भी किए गए हैं, पर ज़मीनी परिवर्तन अगर हम देखें तो उसमें निराशा हाथ लगती है। देश के अंदर मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है जहाँ महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक, सामाजिक हर तरह से अगर स्थिति देखी जाए तो कुछ खास परिवर्तन नहीं है। अगर सामाजिक आंदोलन की बात कहें, महिला आंदोलन की, तो महिला आंदोलन में भी महिला ने अभी यहाँ ऐसा कोई बड़ा संगठन स्थापित नहीं किया है जिससे कि पूरे भारत में एक आवाज़ जाए कि हाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने एक बड़ा संगठन तैयार करके इस तरह का काम कर दिया है जिसमें एक भी कुरीति या ऐसी कोई परंपरा, वर्जनाएँ जो समाज में जुड़ी हुई हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको छोड़ा हो। हाँ, मुझे लगता है 100 में से 10% महिलाएं इसमें सक्सेस हो रही हैं, वो आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास छोड़ करके लगातार एक समान विचारधारा पर काम कर रही हैं, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए घरों से भी निकल रही हैं और समाज से भी जुड़ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को आज तक समाज से दूर रखा गया, बाजार से दूर रखा गया और राजनीति से बिल्कुल अछूता रखा गया। इस वजह से उनके जो थॉट्स जिस लेवल पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, उनमें परिपक्वता, मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो रही है। जब आज लोग जो सोशल रिफॉर्मर हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, सामाजिक मूवमेंट की धार लगा रहे हैं, उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी देखनी चाहिए कि समाज का परिवर्तन महिलाओं से होता है। अगर आप कल्चरल चेंज का चाहते हैं तब भी आपको वुमेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप 50% वुमेंस को पीछे छोड़कर किसी भी आंदोलन को स्ट्रोंग नहीं कर सकते। पहला तो मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आपके आंदोलन को आप खुद मजबूत कर सकती हैं, उस लड़ाई के लिए आपको खुद उठना होगा। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, महिलाएं इस समय कम से कम इतनी तो अंगड़ाई भर रही हैं कि वह बोल पा रही हैं, निकल पा रही हैं, घरों से बाहर आकर के कहती हैं कि हाँ हम समाज में जुड़ने की हिम्मत रखते हैं, इतनी क्षमता है हम में कि समाज का विरोध झेल सकते हैं। और ये खुशी की बात है कि महिलाएं निकल रही हैं, बात कर रही हैं। आज नेट का ज़माना है, इंटरनेट के माध्यम से भी वो बिना निकले चार दीवारी में रहकर भी, यानी कि अपने घर से भी लोगों के बीच में जुड़ रही हैं, विचारों को समझ रही हैं। यहाँ अगर हम कहें कि जिम्मेवारी जो अच्छे से निभानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी कुछ उन लोगों की भी रही जो सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएँ चलाते हैं, महिलाओं पर अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, महिलाओं पर अच्छी कविताएँ लिखते हैं, रचनाएँ लिखते हैं, लेकिन महिलाओं को वास्तविक रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए। बड़े बड़े समान विचारधारा के लोग अपने घरों की महिलाओं पर विचार लागू करने में असफल हो जाते हैं। कारण है कि वो कहीं ना कहीं समाज से उनको जुड़ने से या तो रोकते हैं या जोड़ने की अभी उनमें क्षमता नहीं हुई है, क्योंकि वो सोचते हैं कि समाज से जुड़ने का काम तो सिर्फ पुरुष का है, पुरुष जा तो रहा है, महिला का काम क्या है, महिला की ज़रूरत ही क्या है और महिला इसमें क्या कर सकती है, वो सब हमारी जिम्मेवारी पर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सोच एकदम गलत है और निराधार है।
समाज से जुड़ने का हक अगर आप महिला को देते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो आपकी आधी समस्याएं खुद कम हो जाएंगी। आपको अपने बच्चों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आपकी महिलाएं आपके बच्चों को खुद ट्रेंड कर देंगी, वो खुद समझाएंगी कि बेटे को कैसी परवरिश देनी चाहिए, ये बेटी को कैसी परवरिश देनी चाहिए। अगर हर माँ अपने बेटे को अच्छी परवरिश देती है तो समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होना खुद ही बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग वो कब देगी? जब वो उस कल्चर से बाहर निकलेगी, जब वो उस सोच से आज़ाद होगी जिस सोच में महिला का शोषण होता है। अभी तो उस सोच में महिला खुद लिप्त है, अभी तो वह खुद ही उस आडंबर अंधविश्वास में फंसी है, तो वो अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पाएगी। अगर हमें कल्चरल चेंज चाहिए, अगर हमें सोशल चेंज चाहिए, तो उसके लिए महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। जितने भी समाज में लोग सुधार चाहते हैं वो इस बात को समझते भी हैं और इस पर काम भी करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना केवल ये चाहते हैं कि मंच रहे, मैं रहूं, माला रहे, मेरा भाषण रहे, और वो लंबे लंबे समय तक बोलता रहे, वो नेता बना रहे, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं की प्रतिभा को दबाने का और उसको इग्नोर करने का काम कर रहा है। आज मंचों पर ज़रूरत है कि 50% आबादी महिलाओं की रखें, क्योंकि जो समाज में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं उनकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाए। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी बातें समाज में लागू भी करनी पड़ेंगी। हमें अपने व्यवहार में वह सारे क्रांतिकारी विचार, वह सारे परिवर्तन खुद लागू करने पड़ेंगे, अपने व्यवहार में हमें उतारने पड़ेंगे, तभी मुझे लगता है कि हम अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं और जो आज यूपी में महिला आंदोलन की स्थिति है ये बेहतर हो सकती है। अगर इस समाज में जो अग्रणी पंक्ति में समाज परिवर्तन की भूमिका निभा रहे हैं वो महिलाओं को लेकर साथ चले। उत्तराखंड के अंदर मूल निवासी समाज की महिलाओं के अंदर सामाजिक आंदोलन अब पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे फूले अम्बेडकरी विचारधारा के जो सामाजिक संगठन है, वामसे मूल निवासी संघ है, इनके द्वारा उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में भी फूले अम्बेडकरी विचारधारा का जो आंदोलन जन जन तक ले जाया जा रहा है, उससे मूल निवासी समाज की महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और अपने समाज के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने सामाजिक आंदोलन के प्रति वो जागरूक होकर के प्रेरित हो रही है और सामाजिक संगठनों में भी अपनी भागीदारी निभा रही है। ये उत्तराखंड के अंदर अभी शुरुआत है, आने वाले समय में उत्तराखंड में मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में सामाजिक आंदोलन से जुड़ने वाली है और जरूर जुड़ेगी। धन्यवाद। बहनों को, उन बच्चों, आने वाले बच्चों को बताएं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़े हैं हम अपने बच्चों को। हम मैंने बाबा साहब ने भी कहा, भलाई तुम्हारे पास एक रोटी कम हो पर लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षित बनाओ। शिक्षा का द्वार ऐसा है कि जो बच्चे इतने ताकतवर बच्चे बनते हैं, समझते हैं, और मैं ये कहती हूँ गाँव गाँव में जाएँ अन्य महिलाएँ भी। और जब हम गांव में गए, बहुत दूर दूर क्षेत्र में जाए, जिनको आज कपड़े पहनने का भी, जिन्हें ज़्यादा वो नहीं है, कपड़े पहने भी नहीं आते हैं, लेकिन वो बाबा साहब के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। और सारी महिलाएं बहुत इच्छुक भी हैं और वो काम करना भी चाहते हैं, बहुत जानकारी उनको भी हो गई है। और मेरे अपने मूल निवासी भाइयों से ये है कि जितने जो भी शिक्षक, जो भी नौकरी वाले हैं, समझ है जिनको बाबा साहब के बारे में, हम अपने इन काल्पनिक देवा देवी देवताओं को छोड़ के हम अपने महापुरुषों को पढ़ें और अपने गांव में अपने बच्चों को बताएं, अपने बहनों को बताएं, अपने भाइयों को बताएं, अपने छोटे आने वाली पीढ़ी को बताएं। इसी उपलक्ष्य में और अभी आज नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं और भीमे कोरेगांव सौर्य दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं।